गाइस डबरू आ चुका है बर्फ वाले इलाके में। कसम से गलती कर दी आके, बहुत बड़ी वाली। टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 5 बज चुके हैं और यहाँ पे डबरू बैठा हुआ है। अभी सो के उठ चुका हूँ और आज हम जाने वाले हैं वासुकीताल। हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी जो मैं सो के उठ चुका हूँ और यहाँ पे अपना टेंट देख सकते हैं और सुबह सुबह आप दर्शन कीजिए यहाँ पे देख सकते हैं। और सुबह सुबह मैं यहाँ पे पर्वत दिखाता हूँ आपको, देख सकते कितना मस्त व्यू आ रहा है ऊपर से। तो यहाँ पे सारे टेंट लगे हुए हैं और कितना मस्त व्यू आ रहा है ऊपर से देख सकते हैं। आज जो हम जाने वाले हैं वासुकीताल, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पैदल ट्रैक होने वाला 22 किलोमीटर का, चलते हैं। आपको काफी मजा आएगा क्योंकि वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। पूरी तैयारी से जा रहे हैं, चलते हैं और आपको सारा कुछ। तो फाइनली पूरा तैयार हो चुका हूँ मैं, देख सकते हैं वासुकीताल जाने के लिए। डबरू को देखो मैंने बैठा लिया यहाँ पे ठंड में, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड होने वाली है ऊपर। यहाँ का व्यू देखो कितना मस्त है, ऑसम व्यू आ रहा है। लोग व्यू चेक करो, अभी चलते हैं देखते हैं कैसे क्या रहता है। डबरू देखो कैसे बैठा हुआ है, ठंड के वजह से बैठा बड़ा बेचारा आराम से अपना मंदिर। और हम जा रहे हैं अभी ऊपर, अब चढ़ना पड़ेगा इस पहाड़ी पे। तो गाइस यहाँ पे अर्जुन भाई डबरू को खाना खिला रहे हैं। तो हम जा रहे हैं वासुकीताल जो कि अभी ऊपर ये पहाड़ों के पीछे है। और यहाँ का जो नजारा, केदारनाथ का लोकेशन आप भी देख सकते हो, काफी बढ़िया है। आज का मौसम बहुत साफ है। साफ मौसम के कारण हम लोग वापस अभी ट्रैक पे निकले, क्योंकि हम निकलने वाले थे लेकिन बारिश की वजह से नहीं निकल पा रहे थे। तो आज मौसम बहुत साफ है। तो अर्जुन भाई कैसा लग रहा है अभी ट्रैक चढ़ते समय? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, थोड़ा सा चढ़ा है, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। अभी देखते हैं ऊपर कैसा क्या रहता है, दिखाएंगे आपको सारा कुछ, मजा आने वाला है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम कितने ऊपर पहाड़ों पे आ चुके चढ़ के इस ऐसे रास्ताओं से। डबरू देख सकते हैं मेरे साथ है। तो ये भारत का पहला पक्षी है जो कि वासुकीताल जाएगा साथ में, देख सकते हैं व्यू कितना मस्त है। हमारा डबरू आ चुका है जन्नत में, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो जन्नत के नजारे, डबरू स्लेट हो गया पत्थर का। कितना खतरनाक रास्ता है भाई, मोबाइल टूट गया। तो यहाँ पे डबरू और मैं बहुत ऊपर पहुंच चुका हूँ। उधर नीचे का नजारा देखो कुछ इस प्रकार, छोटा सा दिख रहा है और ऊपर नीचे को कोई भी नहीं दिख पा रहा। तो बहुत बड़ी टीम आई है हमारी, देख सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, मैं भागलपुर से हूँ। मेरे दोस्तों सब केदारनाथ एक बार घूमो और मोबाइल मत लो, मत करो, लड़की लोग से दूर रहो, मंदिर जाओ घूमो अच्छे। तुम्हारे दोस्त ने क्या कांड किया बता दो। मेरे दोस्त जो आ रहे थे वो चला गया टेंट में सोने के लिए, फिलहाल वो लड़की से बात कर रहे टेंट के अंदर सो के। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, अभी वासुकीताल जाने वाले हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है। और व्यू देखो कितना मस्त है, चेक करो आप लोग, सब लोग कभी मस्ती कर रहे, चने खा रहे। देखो यहाँ पे केदारनाथ में वासुकीताल जाते हुए मिली बर्फ, पहली बार बर्फ आज टच की है केदारनाथ में आने के बाद। आज तीसरा दिन है केदारनाथ में, देख सकते हैं बर्फ ही बर्फ है इधर। और अभी ऊपर जाएंगे और भी बहुत सारी बर्फ दिखाएंगे, बस एंड तक देखते रहिए। बाकी यहाँ पे ठंड हो रही है, डबरू को अंदर रख लिया है और धूप निकल रही है लेकिन फिर भी ठंड हो रही है। देख सकते हैं गाइस कितने खतरनाक रास्ते से जा रहा हूँ मैं। यहाँ देखो ऐसे आना पड़ रहा है, इतनी कठिनाइयों से बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, बहुत ठंडा इलाका है। रोड देखो गाइस कितना खतरनाक है। तो यहाँ पे डबरू को लेके मैं देख सकते कितने ऊपर पहुंच चुका हूँ केदारनाथ के एकदम टॉप पे। और सामने देखो बर्फ के शिलाए कितने सारे और बहुत ज्यादा बर्फ है। तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और मैं डबरू को लेकर के इतनी दूर आ चुका हूँ देख सकते हैं। और बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंडी हो रही है, तो डबरू को मैं जैकेट के अंदर ज्यादा रखता हूँ। बाकी देखो यहाँ का व्यू चेक करो आप लोग, गाइस व्यू चेक करो। केदारनाथ के एकदम टॉप पे आ चुके हम लोग अभी और यहाँ से बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है देख सकते हैं। अभी हम पैदल पैदल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देख सकते हैं, इधर बर्फ ही बर्फ है और इधर भाई लोग हैं साथ में। जो लोग केदारनाथ आते हैं ना उनको वासुकीताल जरूर आना चाहिए, बहुत मस्त जगह है लेकिन बहुत हार्ड है। जिसके अंदर दम है ना वही आने की कोशिश करे, बाकी कोई ना आए। बाकी देखते हैं, चलते हैं अभी दिखाते हैं आपको नजारा पर्वतों का। देखो गाइस व्यू कितना खतरनाक सीन है यहाँ पे, देखो ऐसे ऐसे रास्ता से हम लोग चल रहे हैं। देखो लव यू जिंदगी, ये मजे, बहुत मजा ले रहा हूँ। बहुत खतरनाक सीन है देख सकते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे अब। तो गाइस देख सकते हो अर्जुन भाई कैसा लग रहा है। अर्जुन भाई बहुत मेहनत हो रही है वासुकीताल देखने के चक्कर में, इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग। अच्छा, क्योंकि सबको आना मुमकिन नहीं है यहाँ पे, बहुत कम लोग पहुँचते हैं। यहाँ का लोकेशन और व्यू चेक करो आप लोग, कितना मस्त व्यू है गाइस। देखो बादल और यहाँ का, यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ठंड लग रही है। डबरू को अंदर रखा है मैंने, देखो दिखाता हूँ डबरू, ये देखो डबरू कितने मजे से अंदर बैठा है। तो ठंड की वजह से अंदर रखा है इसको, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। चलो कोई ना, आ गया अभी पहुंचने वाले। तो व्यू देखो गाइस, आ चुके हैं हम मनाली में वासुकीताल। यहाँ पे ताल देख सकते हैं लेकिन अभी और आगे जाना है, ये वासुकीताल नहीं है। बाकी व्यू चेक करो आप लोग, कसम से गलती कर दी आके, बहुत बड़ी वाली। सब इधर उधर भटक रहे, गिर रहे, देखो किधर किधर जा रहे, बिल्कुल नहीं चला जा रहा बर्फ पे, पैर फिसल रहा बहुत। और व्यू देखो, तो हम आ चुके हैं ऐसी जगह जहाँ चलने का ना कोई रास्ता है ना कोई वास्ता है और सबकी बहुत ज्यादा बाट लग रही है और यहाँ पे चल नहीं पा रहे, नीचे उतरने का कोई जगह ही नहीं मिल रही है। डबरू का घर यहाँ से जा चुका है देख सकते दूर, भैया पकड़ने गए, डबरू का घर चला गया उधर बेचारे का घर। गाइस चल रही है,
तो फाइनली हम नीचे उतर गए। ऊपर से देख सकते हैं कितने खतरनाक रास्ते से उतरे, और इधर बर्फ बर्फ है, तो डंडे से चेक कर करके जाना पड़ रहा है। जहाँ पे पैर डंडा जा रहा है, घुस जा रहा है, वहाँ पे पैर नहीं रख रहे हम लोग, और बाकी ऐसे आराम आराम से चल रहे। बर्फ ही बर्फ है, देख सकते, जिंदगी में पहली बार ऐसे ट्रैकिंग कर रहा हूँ मैं बर्फ के ऊपर। हर हर महादेव। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबरू के साथ मैं पहुंच चुका हूँ बासुके ताल उधर रहा वो देख सकते हैं, और अभी हम लोग एकदम नजदीक में जाएंगे और आपको दिखाएंगे सारा कुछ। तो आप लोग डबरू के बारे में क्या कहना चाहेंगे जरूर बताना। भारत का एकमात्र पक्षी है जो कि बासुके ताल देखने आया मेरे साथ साइकिल से। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से शेयर करना, और बाकी बर्फ के इलाके में मजा आ रहा है, पूरा मनाली जैसा फील हो रहा है। अभी हमारे रील बना रहे थे, बनाते गिर गए ये भी। गाइस डबरू आ चुका है बर्फ वाले इलाके में। तो यहाँ पे डबरू बर्फ के मजे लेते हुए देख सकते हैं, बर्फ ही बर्फ सब तरफ, और थोड़ा सा दूर रह गया है बस बासुके ताल पहुंचने वाले। इतना ऊंचा सफर था जो कि हम नीचे उतर के आ गए बर्फ से, अब जाने के टाइम कैसे जाएंगे पता नहीं, भगवान के भरोसे हैं। और यहाँ पे डबरू देख सकते हैं नीचे, पहले मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक ताल देख सकते हैं, इसका पानी ना बहुत ही ज्यादा क्लियर है देख सकते हैं, जैसे नल से पानी निकलता है ना घर में वैसा पानी है सेम। और देख सकते हैं बर्फ पिघल करके ये बना है यहाँ पे ताल, तो ये बासुके ताल के साइड में एकदम है। और अभी बासुके ताल में चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। इतने मस्त वादियों के अंदर मैं मौज कर रहा हूँ आज, तो बस आप लोग सपोर्ट करिए और मौज कराएंगे आपको। इनके साथ ट्रैवल करता है। तो फाइनली बासुके ताल पहुंच चुके हैं, सामने जो ताल दिख रहा है आपको ये बासुके ताल है, इसको देखने के लिए हम इतनी मेहनत करके आए हैं। और अभी नीचे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, कुछ पिकनिक वगैरह करेंगे, कुछ बनाएंगे खाएंगे, देखते हैं कैसा क्या रहता है। बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से खाली पेट चले थे और अभी तक नहीं पहुंचे। फाइनली हम लोग बासुके ताल पहुंच चुके हैं, ये रहा बासुके ताल देख सकते हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी आपको इसके, देख सकते हैं इधर भी बर्फ है। तो अभी बर्फ ना बहुत दिनों से गिरी नहीं है इसलिए यहाँ पे बर्फ कम है, बाकी ये बर्फ से बढ़ जाता पूरा। और इसके अंदर भी देख सकते हैं जमा पड़ा है पानी, कई कई जगह बर्फ जमा हुआ है, वो देखो उधर दिख रहा है। तो पहुंच चुके हैं इतनी मेहनत करने के बाद, और अभी यहाँ पे बनाएंगे मैगी, और डबरू अपना बैठा हुआ देख सकते हैं एकदम खुला, यहाँ पे मैगी बनाएंगे और फिर खाएंगे। हर हर महादेव। तो मैं भी आ चुका हूँ बासुके ताल में, जो कि केदारनाथ से काफी दूर है और काफी कठिन रास्ताओं से आना पड़ता है यहाँ पे। तो ये ताल है देख सकते हैं, और बर्फ जमी पड़ी है इसके अंदर भी, और चारों तरफ भी बर्फ बर्फ है। तो अभी मैं इसमें डुबकी लगाने वाला हूँ, ठंडे पानी एकदम ठंडा पानी चिल्ड, तो डुबकी लगाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो इसमें नहाना ना बहुत ही जरूरी होता है, अगर आप यहाँ पे आते तो एक बार डुबकी लगा के जरूर जाना। तो अभी मैं नहाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। स्टार्ट है। हर हर महादेव। फाइनली मैं नहा लिया हूँ, और नहा के देख सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब ठंड हो रही है यहाँ पे। बासुके ताल में नहाना ना बहुत बड़ी बात है, तो मैं नहाया हूँ अभी यहाँ पे, डुबकी लगाई मैंने, दो डुबकी लगाई, और लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वैसे तो तीन लगानी चाहिए लेकिन अब हिम्मत नहीं है, टी शर्ट भी पहन ली है। अभी इधर जाना पड़ेगा हमें, इतनी मेहनत करके आए थे तो नहाना तो बहुत जरूरी था, इसलिए नहाया मैं, क्योंकि इसमें नहाना भी बहुत जरूरी होता है, अगर आप आते हैं ना तो जरूर स्नान करना। इसमें मैगी बन रही है हमारी, मैगी खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारी मैगी बन चुकी है, और यहाँ पे बासुके ताल है, और इस यहाँ पे आके मैगी बनाई है देख सकते हैं, बर्फ यहाँ पे पास में और यहाँ पे मैगी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं अभी नहा के आया हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैगी खाऊंगा तो थोड़ा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो हम लोग थाली वगैरह नहीं लाए हैं, तो सभी लोग एक साथ बैठ के खाएंगे एक पन्नी में डाल के। मैगी नहीं खाए भाई आज तक नहीं भाई, देख लो। गर्म हो गया तो उसे ठंडे करने का। थोड़े जागे पूरे जिंदगी का मजे ले लिया आज गाइस। तो अभी जा रहे हैं मंदिर के पास केदारनाथ, देखते हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखो। ओ मम्मी नीचे देख इधर का लोकेशन क्या मस्त है यार, देख रहे हो कैसे कैसे रोड से निकलना पड़ रहा है, पत्थरों पे चढ़ना पड़ रहा है अभी। और अभी चोट लग गई, और अभी चोट भी लग गई मेरे पैर में, तो दोनों पैरों में लगी है। अभी देखते हैं पहुंचने के बाद, देखते हैं कितनी चोट लगी, दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। नहीं जाना है, ये बर्फ वाला इलाका हमने पार कर दिया है, और इधर हम लोग, और देखो बहुत ज्यादा मेहनत हो गई, बहुत सही एक्सपीरियंस था, बहुत सही यार। बर्फ में पहली बार डेढ़ घंटे में बर्फ का रास्ता जो कंप्लीट कर लिया, और बहुत ज्यादा ट्रैक किया आज, पहली बार बर्फ में ट्रैक किया मैंने, बहुत ज्यादा मजा आया। हम पागल है क्या, लगता तो है। फाइनली हम लोग केदारनाथ पहुंच गए, देख सकते हैं नीचे मंदिर है। अभी बज रहे हैं रात के 10, और हो रही है बारिश, आपको आवाज आ रही होगी, टेंट के अंदर है हम लोग देख सकते हैं, तो बारिश हो रही है, ये देखो भीग गया पूरा, इधर ही भीग गया।
गाइस बारिश आ गई, मौसम खराब केदारनाथ का। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि जहाँ पे हम लोग गए थे बासुकी ताल, वहाँ पे जाना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, आम बात नहीं है, बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं। जहाँ पे हम लोग गए थे तो बहुत मेहनत करके हम लोग वहाँ पहुँचे। मैं नहाया भी वहाँ पे बहुत ठंडे पानी से, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा था वहाँ का इलाका, क्योंकि बर्फ़ था सब तरफ, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना, और डब्लू के लिए क्या कहना चाहेंगे जरूर बताना। भारत का एकमात्र पक्षी जिसको लेके मैं बासुकी ताल की यात्रा कंप्लीट करके आया हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना इस ब्लॉग को। हर हर महादेव।